नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। सरकार के द्वारा जो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नई नियमावली लाई गई है उसी को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी जो है काफ़ी विरोध कर रहे हैं। आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में शिक्षक अभ्यर्थी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से मिलने पहुँचे और मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर चुकी है और शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में बीजेपी जो है राज्यपाल से मिलेगी। तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पहले आप इस वीडियो में सुनिए। शिक्षकों के साथ जो नियमावली बनाई गई है वह नियमावली हड़बड़ी में बनाई है, कई गड़बड़ी है, इसको सुधारे और शिक्षक को सामाजिक सम्मान के साथ साथ बिहार के बच्चों को प्रतिभा बढ़ाने के लिए शिक्षक प्रतिभावान शिक्षकों की बहाली हो और उसके लिए ये नियमावली उपयुक्त नहीं है। जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उसका भी सम्मान करते हुए एक ऐसी नियमावली बननी चाहिए जिसमें यहाँ के शिक्षकों का मनोबल बढ़े और शैक्षणिक वातावरण बने। आप लोग राज्यपाल से भी मिलने चाहेंगे क्या इन लोगों की बातों को लेकर? मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिलेंगे और भाजपा की सरकार बनेगी तो शिक्षक का सामाजिक सम्मान के साथ साथ हमारी शैक्षणिक वातावरण बेहतर बने, ये उत्तर प्रदेश गुजरात का मॉडल बिहार में भी लागू होगा। आंदोलन करने की बात करें तो प्रदेश निश्चित तौर पर इन शिक्षकों का अपमान हो रहा है और शिक्षक के साथ अन्याय हो रहा है, ये कतई स्वीकार नहीं है। बिहार शिक्षक अभ्यर्थी ये गलत है, ये सरकार कुछ करना नहीं चाहती है, शिक्षकों को वरगला कर ठगना चाहती है। केंद्र सरकार की नीति के व्यवस्था में ये हड़बड़ी में जो नियमावली बनाई है ये काफ़ी गड़बड़ी है, भविष्य में बहुत समस्या खड़ा हो जाएगा इससे। बहाली फंसाने की कोशिश की, निश्चित तौर पर बहाली फंसाने की। तो अभी आपने सुना शिक्षक अभ्यर्थी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से मिलने पहुंचे और मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में बीजेपी उतर गई है और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए राज्यपाल से मिलेगी क्योंकि ये जो नियमावली आई है सरासर गलत है। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।